नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 3 रात में 3 लोगों की हत्या, आरोपी बोला मशहूर होने का आसान तरीका लगा। गुरुग्राम हरियाणा में शराब पिलाने के बहाने लगातार 3 रातों में 3 लोगों की हत्या करने के 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बतौर पुलिस उसका कोई मकसद नहीं था। उसने बताया कि उसे हत्या करना अच्छा लगता था और मानता था कि यह मशहूर होने का आसान तरीका है। वह ड्रग्स एडिक्ट है, पीड़ितों से लूटे पैसों में शराब खरीदता था। वही दूसरी ओर शख्स ने बेटी पैदा होने के चलते पालन पोषण के लिए पत्नी से मांगे 30,000, केस दर्ज। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक शख्स के खिलाफ बेटी पैदा होने के चलते पत्नी का कथित तौर पर उत्पीड़न करने और उसके माता पिता से बच्ची के पालन पोषण के लिए 30,000 मांगने पर केस दर्ज हुआ है। आरोपी के माता पिता पर भी उसकी 21 वर्षीय पत्नी का कथित उत्पीड़न करने के लिए IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज हुआ है। वही तीसरी ओर गुरुद्वारे के ग्रंथी पर उसके सहकर्मी ने दिल्ली में तबले से किया हमला, हुई मौत। पुलिस के मुताबिक RK पुरम दिल्ली में एक गुरुद्वारे में काम करने वाले शख्स ने कीर्तन के दौरान हुए विवाद को लेकर ग्रंथी पर कथित तौर पर तबले से हमला कर दिया और सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बतौर पुलिस आरोपी ने बीच बचाव करने की कोशिश करने वाली ग्रंथी की पत्नी पर भी वार किया। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। MNS न्यूज देखो, सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजें और सोना चांदी जीते। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजें 9552838179।